हेलो एवरीवन वेलकम टू बीट द स्ट्रीज आज हम ट्रेंडिंग और ट्रेडिंग में दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप और यस बैंक के तयब तो हम जानते हैं कि यस बैंक में क्या न्यूज़ है जैसा कि आपको पता है कि यस बैंक का एफपीओ 15 जुलाई को चालू हुआ था और 17 जुलाई को ख़त्म हुआ इस एफ में नाइन्टी सब्सक्रिप्शन ही हुआ है ओवरऑल जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यस बैंक विल फॉल शॉर्ट्स ऑफ द हंड्रेड परसेंट सब्सक्रिप्शन एंड रेज फोर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी सेवन करोड़ रुपीज़ इसमें देखने वाली बात यह है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स केवल सिक्सटी थ्री परसेंट सब्सक्राइब किए रिटेल इन्वेस्टर्स का पोर्शन फोर्टी सेवन परसेंट सब्सक्राइब हुआ और एम्प्लॉज ने जिन्हें ऑलरेडी एक रुपए के डिस्काउंट पर मिल रहा था उन्होंने केवल थर्टी थ्री परसेंट ही पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है

यस yes, बैंक में आज जो कि सबसे ज्यादा बिड्स हुई थी वो लोअर प्राइस बैंड पे हुई थी जो कि बारह रुपए है यस yes, बैंक के एफपीओ का बिडिंग टाइम भी एक्सटेंड किया गया पाँच बजे से लेकर सात बजे तक यस yes, बैंक ने आज अपने लो पे ट्रेड किया एटीन पॉइंट टेन जो कि हमारा पुराना प्राइस टारगेट था वीक डिमांड फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड रिटेल कैटेगरी और उसी के साथ एक यस मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार लोन मॉरेटोरियम में एक्सटेंड टू डिसम्बर टू सो so, इन सब चीज़ों को फैक्टराइज करते हुए हमारा जो प्राइस टारगेट अप है वो सोलह से सत्रह रुपए है आइए हम हम दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो कि फ्यूचर 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 रिटेल रिटेल है 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 का क्या है? आज प्राइम की एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार ये कहते हैं कि फ्यूचर रिटेल कुछ इन टू रिलायंस रिटेल एंड शेयर होल्डर्स ऑफ फ्यूचर ग्रुप में गेट शेयर इट विल बी ऑल स्टॉक ऑप्शन डील रिलायंस वुड डायरेक्टली पे टू द फ्यूचर ग्रुप बिकॉज वो लैंडर्स के साथ थर्टी परसेंट कम दे लोन कम चुकाने का भी नेगोशिएशन कर रहे हैं लेकिन अगर हम इस रिपोर्ट को छोड़ दें और कंपनी के ऑफिशियल तो अनाउंसमेंट को देखें तो मुकेश अंबानी ने अपनी ए में किसी भी तरह का इस तरह का डील का अनाउंसमेंट नहीं किया है उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि रिलायंस रिटेल में इन्वेस्टमेंट होगा लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि रिलायंस रिटेल भी लक्वायर एनी अदर कंपनी और उसी के साथ फ्यूचर रिटेल ने भी कहा है कि ये रिपोर्ट है वो प्योरली स्पेक्यूलेटिव और मेलिशियस है एंड विदाउट एनी वेरिफिकेशन फ्रॉम द कंपनी पब्लिश की गई है हमारा मानना यह है कि अगर ये डील होती भी है तो फ्यूचर रिटेल विल बी वैल्यूड बिटवीन सेवनटी टू एटी फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस ऑफ वन हंड्रेड टेन तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए और आपको किसी भी